जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन जैन ठाकुर, रुद्र बॉक्सिंग कोच, भारतीय सेना। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो जो है हम बनाने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए जो घर पे रह के जो है बॉक्सिंग ट्रेनिंग करना चाहते हैं, बॉक्सिंग को सीखना चाहते हैं और उनके जो है नियरेस्ट उनके शहर में कोई बॉक्सिंग क्लब नहीं है, लेकिन वो जो है बॉक्सिंग सीखना चाहते हैं। उनके लिए हम जो है वीडियो बनाने जा रहे हैं। हमने जो है मैंने भारतीय सेना में जो है बहुत सारे जो है बॉक्सर्स को जो है बॉक्सिंग सिखाई है, बहुत सारे फौजियों को बॉक्सिंग सिखाई है और अभी जो है पिछले 4 साल से मैं रुड़की शहर उत्तराखंड में फिटनेस पर बॉक्सिंग क्लब चला रहा हूँ, जहाँ पे हमने जो है बहुत सारे बच्चों को जो है बॉक्सिंग के लिए अमेचर के कई टूर्नामेंट्स खिलाए हैं और जो है नेशनल में खेले हमारे खिलाड़ी और राज्य स्तरीय पर खेले, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर भी खेले हैं और जो है मैंने अमेचर और प्रोफेशनल दोनों क्षेत्र में जो है मेरे खिलाड़ी जो है इवेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमारा बॉक्सिंग का जो है हमने जो है ऑन गार्ड पोजीशन के बारे में आपको बताया। ऑन गार्ड पोजीशन का मतलब है कि हमारी पोजीशन क्या होगी जब हम बॉक्सिंग खेलेंगे। इसमें जो है हमारा जो है खेलने का दो स्टाइल होता है, एक होता है सॉफ्ट को, दूसरा ऑर्थोडॉक्स। सॉफ्ट ऑर्थोडॉक्स का मतलब है कि जिसका मास्टर हैंड राइट हैंड होता है वो जो हम राइट हैंड को पीछे रखते हैं, लेफ्ट हैंड को आगे रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले हमने ऑन गार्ड में क्या करना है, ये अपने लेफ्ट पैर को आगे करना है और राइट को इसे पीछे रखना है। बिल्कुल इसके पीछे नहीं होगा, दोनों की लेंथ अलग होगी, इसके बिल्कुल पीछे ना होकर बगल में होगा। उसके बाद हमने जो है ऊपर जो है लेफ्ट हैंड को सामने रखना है, राइट हैंड को चिन पे लगा देना है और यहाँ पे जो है 11 के शेप में जो है 11 के शेप में जो है हाथ को रखना है। तो ये हमारी ऑन गार्ड पोजिशन होगी। हल्का सा बॉडी को हम तिरछा कर लेंगे ताकि जो हमारा टारगेट सामने से अपोनेंट की तरफ कम रहेगा। तो ये हमारा ऑन गार्ड पोजिशन है दोस्तों। इसमें हम इसको बैठ के देखेंगे, खड़ा होकर देखेंगे कि हमारा बैलेंस बनना नहीं बन रहा है। उसके बाद हम जो है पीछे राइट पैर को एड़ी से उठाएंगे हल्का सा दोस्तों। तो ये हमारा ऑन गार्ड पोजिशन। पैर का जो खुलेगा वो हमारे शोल्डर लेंथ के अकॉर्डिंग खुलना है, जितना हमारा शोल्डर की लेंथ है उतना ही होना, ज्यादा नहीं खुलेंगे, जो हमें कंफर्टेबल रहता है उतना ही खुलेंगे। चिन पे राइट हैंड को लगाएंगे, लेफ्ट हैंड को आगे। अगर कोई सॉफ्ट पोल बॉक्सर होता है दोस्तों तो इसके एकदम अपोजिट खड़ा होता है, उसका जो है राइट पैर आगे होता है, लेफ्ट पैर पीछे होता है, लेफ्ट हैंड उसका लेफ्ट हैंड वो जो है अपना चिन पे रखता है और राइट हैंड आगे रखता है। ये सॉफ्ट पोल बॉक्सर होता है। तो ये है ऑन गार्ड पोजिशन। तो हम जो है घर में रखें, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑन गार्ड पोजिशन एक ऐसी पोजिशन है जो हमें बॉक्सिंग में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट गंवाने से बचाता है, मार खाने से बचाता है, पंच लगने से बचाता है। ऑन गार्ड पोजिशन, जिस खिलाड़ी का ऑन गार्ड पोजिशन जितना बढ़िया होगा, बढ़िया का मतलब जो इस पोजिशन को ज्यादा से ज्यादा देर तक रख पाएगा, ज्यादा देर तक बॉक्सिंग में रख पाएगा, वो जो है अपनी फाइट को जीतेगा। इसी की हमें आदत डालनी होती है, ऑन गार्ड पोजिशन हम रख सकें हर समय जो इस तरह रख सकें। फाइट में अगर हमारे हाथ नीचे जाते हैं तो दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा पंच लगेंगे और हम आउट को हार जाएंगे। तो हमें जो है एक्चुअली बॉक्सिंग में शोल्डर स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज ज्यादा ज्यादा कराई जाती है ताकि हम अपने हाथ को ऊपर रख सके, ऑन गार्ड पर रख सके। इसलिए आपको मैंने बताया ऑन गार्ड पोजिशन, आपने घर पे ऑन गार्ड पोजिशन रख के जो है प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है फुट गार्ड। फुट गार्ड मतलब पैरों का वर्क इसमें कैसे होगा उसके बारे में आपको बताऊंगा। फुट गार्ड हमने गार्ड पोजिशन रखा, एक पंजे पे, ये हम लोग पंजे पे या आगे से जिधर की तरफ हम मूव करेंगे वो पंजा लगेगा दोस्तों। 1 2 1 2 अगर हमने पीछे की तरफ ऊपर है 1 2 1 2 1 2 अगर हमने लेफ्ट साइड को मूव करना है तो पहले लेफ्ट पैर इधर को चलेगा 1 2 1 2 1 2 अगर राइट साइड को मूव करना है तो पहले राइट लेग आगे बढ़ेगा 1 2 1 2 1 2 तो आपने इसकी ज्यादा ज्यादा घर पर प्रैक्टिस करनी होगी दोस्तों। फुटवर्क सेशन ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करनी, करीबन आपको जो है हर दिन जो है फुटवर्क सेशन इस तरह लेना पड़ेगा। शुरू में पांच मैच अटेंड करना पड़ेगा, बाद में होल मैच पड़ेगा। पार्ट मैच का मतलब मेरे कहने का मतलब है 1 2 1 2 ये पार्ट मैच होगा। होल मैच अटेंड में अगर हम करें तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 इस तरह जो आपको ये सेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर आपकी हैबिट पड़ जाएगी फुटवर्क करने की। उसके बाद हम आते हैं पंचेस पे कि हम किस तरह बॉक्सिंग में पंच निकालेंगे। अब मैं बताऊंगा आपको पंच के बारे में। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको स्ट्रेट में आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो स्ट्रेट पंच पहले सीखें, स्ट्रेट पंच ज्यादा से ज्यादा फोकस करें और आप करीबन 2 या 3 महीने तक स्ट्रेट पंच को ही ट्रेनिंग करें, उसके बाद हुक और अपरकट, उसके बाद नेक्स्ट है। तो स्ट्रेट पंच के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे मैंने बताया था आपको ये ऑन गार्ड पोजिशन हमारी थी, 11 के शेप में हमारे हाथ रहेंगे, 11 के शेप में चिन पे हमारा राइट हैंड रहेगा, लेफ्ट हैंड आगे रहेगा, इधर का पंजा उठा रहेगा राइट पैर का, ये इस तरह हमारा बैलेंस रहेगा। अब हम जो लेफ्ट पंच मारेंगे दोस्तों, जो हम पंच मारेंगे तो हाथ और पैर ऐसा लेफ्ट वापिस
ये देखो सब मेजर से दिखाऊंगा आपको, लेफ्ट वाइट लेफ्ट वाइट, अब मैं आपको इस तरफ से दिखाऊंगा लेफ्ट वाइट लेफ्ट वाइट लेफ्ट वाइट, अब मैं आपको इसी तरफ से दिखाऊंगा लेफ्ट वाइट, हमारा जो बॉडी जो है टर्न होगी सामने, देखिए लेफ्ट वाइट लेफ्ट वाइट, तो मैंने आपको दिखाया अपने लेफ्ट पंच के बारे में कि हम जो है लेफ्ट पंच यूज कैसे करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमने इसकी प्रैक्टिस करनी घर में ज्यादा, राइट मार्केट यही टेक्निक है राइट वापिस, इसमें ध्यान रखने वाली बात है हमारा लेफ्ट पैर से आगे राइट पैर नहीं जाएगा, हमने बैलेंस बनाना है, बैलेंस बनाएंगे तो हमने खड़े खड़े ये खड़े थे आप हम ब्लड प्रेशर राइट मारना है वापिस मारना है, राइट पैर को थोड़ा सा उठाएंगे आप राइट पैर को थोड़ा उठाएंगे ऐसे देन वापिस, अगर मैं देखिए इधर इधर मार रहा हूँ ब्लड प्रेशर राइट वापिस, इसे देखें आप राइट वापिस, अब मैं आपको इस तरफ को दिखाऊंगा ये ऑन गार्ड पोजीशन राइट वापस राइट वापस, तो मैंने आपको दिखाया राइट माने, अब क्या है जब हम किसी अपोनेंट पे पंच को हिट करते हैं टारगेट पे पंच को हिट करते हैं तो अपोनेंट वहां से मूव करता है, तो हमने जो उसको पकड़ना है तो उसको पकड़ने के लिए आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा, जिसका मेथड मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हमने क्या लेफ्ट वापस ये सिखाया था मैंने आपको, अभी हमने आगे मूव करते हुए पंच करना है, देखिए लेफ्ट लेफ्ट, तो हमने क्या पैर साथ में आगे बढ़ाया लेफ्ट को भी राइट को, ऐसे फिर से जाना ये था, अभी हम पार्ट मेथड पार्ट मेथड में बताऊंगा लेफ्ट वापस इधर की तरफ दिखाऊंगा दोस्तों, देखिए लेफ्ट वापस लेफ्ट वापस, इस तरफ को देखें आप इस साइड से देखें यौन ग्राउंड पोजीशन से लेफ्ट वापस, ठीक है तो मैंने आपको दिखाया लेफ्ट पंच का यूज कैसे करेंगे, अगर अभी मैं बताऊं आपको होल मेथड में, होल मेथड में कैसे करेंगे लेफ्ट लेफ्ट पीछे जा सकते लेफ्ट पीछे जा सकते बाद में बताऊंगा दोस्तों, पहले आगे बढ़ने के लिए बताऊंगा आपको लेफ्ट लेफ्ट, अभी इधर को देखें आप ये कार पोजीशन है लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, तो ये मैंने आपको लेफ्ट पंच के बारे में बताया, अब जो है ये भी पंच अगर हम पीछे हटते हैं, पीछे हटते समय बिल्कुल अपोजिट होता है दोस्तों, जैसे हमने फुटवर्क में किया था हम जब पीछे जा रहे थे तो पीछे वाला पैर पहले चल रहा था, इसमें भी हमारा सेम रहेगा पीछे वाला पैर पहले चलेगा, इसमें हम ये खड़े हैं अगर मैं जो है पीछे की तरफ जा रहा हूँ ये मैं ऑन गार्ड पोजीशन खड़ा हूँ पीछे की तरफ जा रहा हूँ अगर तो लेफ्ट वापस, होल मेथड में देखें आप लेफ्ट वापस लेफ्ट वापस, अब मैं इधर को दिखाता हूँ हम जब पीछे की तरफ मारते पंच आ रहा है अपोनेंट आ रहा है और मैं पीछे हट रहा हूँ पंच मार रहा हूँ, देखिए लेफ्ट वापस पैर देख रहे मेरे पैर पैर की तरफ फोकस करें आप पैर देख रहे हैं लेफ्ट वापस लेफ्ट वापस लेफ्ट वापस, ऐसे इस साइड से देखें आप, अब आप इस तरफ को देखें जब पीछे लेफ्ट वापस लेफ्ट वापस लेफ्ट वापस, तो इस तरह जो हम लेफ्ट पंच मारेंगे दोस्तों, इसकी हमें घर पे कम से कम लाख बार कम से कम 1,00,000 बार ट्रेनिंग करनी होगी, तब जाके लिंक पर हमारा बैलेंस बनेगा और टारगेट पे पंचेस लगेंगे, एक बार या दो बार करने से नहीं होगा, दिन में एक सेशन लेने से नहीं होगा, हमको जो है मिरर के आगे खाली रूम में खाली जगह ये सब कई बार ट्रेनिंग करनी होगी और ट्रेनिंग करते समय ध्यान रखें कि जब आप लेफ्ट पंच मारेंगे तो राइट पंच आपका छिन से हटेगा नहीं, ये लेफ्ट मारा तो ये छिन पे राइट मारूंगा, अगर मैंने राइट मारा तो ये छिन पे, बस हमें बॉक्सिंग में यही ट्रेनिंग करनी होती है कि हमें जो है पंच मारना दूसरा हाथ जो हमारा टारगेट पे रहेगा दूसरा हमारा ऑन गार्ड पे रहेगा, ताकि कोई अपोनेंट हमें पंच मारे तो हमारा गार्ड पे हमारे हाथ को सेव कर लेंगे, तो ये रहा दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने 1-2 पंच एक साथ मारे, जिसको जो है हमारे जो है फॉरन में जैब क्रॉस बोला जाता है और हमारे भारत में इसको लेफ्ट राइट पंचेस बोले जाते हैं, या हम इसको 1-2 बोलते हैं, 1 नाम हम जो आगे हाथ रहता है तो उसको हम 1 बोलते हैं, जो पीछे रहेगा उसको 2 बोलते हैं, तो मैं अभी दिखाऊंगा आपको किस तरह जो है कुछ तरह दोनों पंच करेंगे, हम लोग ऑन गार्ड पोजीशन रहेंगे ये लेफ्ट कैसे दिखाऊंगा दोस्तों, फिर से एक ऑन गार्ड पोजीशन लेफ्ट राइट वापस, इसमें ध्यान देना है ये पैर इस पैर के आगे नहीं जाएगा, जितना मैं पैर इसको बढ़ाऊंगा उतना ही इसको बढ़ाना है, फिर से देखें आप गौर करें लेफ्ट राइट वापस लेफ्ट
राइट वापस हमने करके लेफ्ट मारा कि बॉडी को टर्न करना है उसने इधर लेफ्ट बॉडी को पूरा टर्न किया नजर सामने इसको थोड़ा सा टिल्ट करना है ताकि जो हमारा हाथ ऐसे न लगे ये चीज निकल नकल लगे ये है लेफ्ट राइट वापस लेफ्ट राइट वापस अब मैं इधर की तरफ मार के दिखाऊंगा देखिए ये ओंगाट पोजिशन हुए हम लोग इस तरह ओंगाट पोजिशन है लेफ्ट राइट वापस लेफ्ट राइट वापस इधर की तरफ देखिए आप हम खड़े हुए लेफ्ट राइट वापस लेफ्ट राइट वापस अब देखा आपने ये हमने इनमें काफी प्रैक्टिस करनी होगी अभी मैंने किया पार्ट मेथड है मतलब रोक रुक लेफ्ट राइट वापस जैब क्रॉस एंड बैक पर अब हम करेंगे गोल मेथड गोल मेथड मतलब एक ही बार में हम दोनों पंच मारेंगे देखिए किस तरह मारेंगे खड़े मैं बोलूंगा खुद को मैं कमांड कर रहा हूं अब बोलूंगा मैं दोनों पंच मारूंगा रेडी अब आप इधर बोलेंगे एक आठ क्वेश्चन में खड़ा हूं अब आप इस तरह को देखें इधर से देखें आप आपने देखा किस तरह जो है ये पंचे चीज आते हैं इनमें ध्यान देना है कि अगर हम लेफ्ट मार रहे हैं तो राइट हमारे चिन पे रहेगा राइट मार रहे लेफ्ट हमारे चिन पे रहेगा इसकी आदत डालनी है इसकी आदत कब डलेगी जब हम जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में शोल्डर का वर्कआउट करेंगे और डेली मिरर के आगे ये सब ट्रेनिंग करी जाएगी ध्यान देने वाली बात यही है कि हमारे हाथ हमेशा गार्ड पोजिशन पे रहेंगे पंच मार समय और हमारा जो है पंच मारते समय हाथ ब्लॉक नहीं होंगे इसकी ट्रेनिंग करनी हमने जो है कम से कम इसका जो है चार हफ्ते जो है इस पर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी इस तरह की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ऑन गार्ड पोजिशन की ट्रेनिंग ऑन गार्ड पोजिशन कैसे करते हैं फिर आप बैठ के देखिए आपका बैलेंस बन रहा है नहीं बन रहा है फिर आप जो है उसके बाद फुटवर्क करें आगे जाने की ट्रेनिंग करें फिर आप पीछे हटने की ट्रेनिंग करें फिर आप लेफ्ट साइड मूव की ट्रेनिंग करें देन आप राइट साइड मूव की ट्रेनिंग करें उसके बाद आप पंचेस की ट्रेनिंग करें किस तरह पंच मारे जाएंगे किस तरह पीछे हटते हुए मारे जाएंगे किस तरह लेफ्ट राइट मारा जाएगा तो आपने इस तरह जो है ट्रेनिंग करी दोस्तों घर पे थैंक यू दोस्तों आप जो इसी प्रकार घर में जो है हमारे वीडियो को देखते रहें घर में ट्रेनिंग करते रहें और बॉक्सिंग को सीखते रहें आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं इसके जो है पार्ट टू में हम आपको बताएंगे किस प्रकार जो है हुक और अपरकट बॉक्सिंग में जो यूज किए जाते हैं किस प्रकार डिफेंस किया जाता है किस प्रकार कॉम्बिनेशन का यूज किए जाते हैं आप जो है पार्ट टू देखना बिल्कुल ना भूलें अगले वीडियो हम बनाएंगे आपके लिए और तब तक आप घर पर प्रैक्टिस करते रहें थैंक यू सो मच।